हेलो, वेलकम टू एडी स्मार्ट क्लासेस। आप सभी का अपने इस प्यारे से परिवार में स्वागत है। चलिए, ट्रिग्नोमेट्री की सीरीज को और आगे लेके चलते हैं। एडवांस मैथ चल रही थी जिसमें ट्रिग्नोमेट्री बहुत ही लाजवाब बेहतरीन कंसेप्ट के साथ हम पढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। हाँ, और आप चीज़ें समझ पा रहे हैं और हम इसमें स्कोरिंग की मात्रा बढ़ा पा रहे हैं। चलिए चलते हैं इस क्लास को और आगे लेके। अब आपको क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन तरीके से करने हैं। ये आपकी सीट नंबर सेकंड है और सीट नंबर सेकंड की आपकी ये थर्ड क्लास है। ऑलरेडी हमने दो क्लास रिकॉर्डेड फॉर्म में आपको यूट्यूब के माध्यम से प्रोवाइड करा दी गई है, जो कि अपने इसी चैनल पर जाएंगे, एडी स्मार्ट क्लासेस चैनल पे। तो प्लेलिस्ट में प्रीवियस जितनी भी क्लासेस आपको फ्री में प्रोवाइड करा दी गई है। तो हर एक क्लास को आपको क्या लाभ उठाना है ना, और सभी क्लासेस को सीरियल से सीक्वेंस से देखना है और हर एक कंसेप्ट आपको क्लियर कराया गया है। चलिए, बहुत ही बेहतरीन आपकी सीरीज चल रही है, तो जर्नी को और आगे लेके चलते हैं। तो हमने प्रीवियस ईयर क्लास में बहुत ही अच्छे तरीके, सबसे पहले तो मैंने कहा था कि हाँ, आज के दिन आप सभी लोग टेबल याद है ना, पर्टिकुलर किसी की भी वैल्यू आपसे पूछ दी जाए तो सबकी वैल्यू आपको याद होनी चाहिए। और प्रीवियस ईयर क्लास में हमने इनके साथ के कॉन्सेप्ट भी बताए थे, जो कि आपको सब क्लास में मिल गया। हाँ, बहुत अच्छे से मिला ना। इसके बाद क्वेश्चन भी किए थे, फर्स्ट क्वेश्चन हो गया था अपना, सेकंड भी हो गया था, थर्ड भी हो गया था। और थर्ड के बाद हमने क्वेश्चन को दो टाइप से करवाए थे, बेसिक से, और इसके बाद कुछ आइडेंटिटीज के आधारित कुछ प्रॉपर्टी लिखाई थी, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी थी, है ना। चलिए, और इसमें आपको कई सारी प्रॉपर्टीज को ब्रेक करके भी बताया था, ऐसा जैसे ये आपकी मेन इक्वेशन है, इस इक्वेशन को आप किस फॉर्म में आप कन्वर्ट कर सकते हैं, किस किस फॉर्म में आप कन्वर्ट कर सकते हैं। और आगे देखिए, इसके बाद ये वाली भी देखी थी और फोर्थ नंबर क्वेश्चन भी कर लिया था हमने। चलिए, फाइव नंबर भी हो गया था। फाइव नंबर किस में आता है? एसएससी सीजीएल मेंस में आया था क्वेश्चन, रिलेवेंट 2022 का ही है। फाइनली आज पहुंचे कहाँ पे हैं? तो भाई आज पहुंच चुके हैं हम क्वेश्चन नंबर 6 पे, और बहुत ही लाजवाब बिंदास क्वेश्चन है, एसएससी सीजीएल का पूछा गया है ना। तो करते हैं ना बिंदास, बिल्कुल स्मार्ट अप्रोच के साथ दिया गया है आपको क्वेश्चन। देखिए किस नजरिए से आपसे पूछना चाह रहा है। इफ ए की वैल्यू इज इक्वल टू 10 डिग्री, ए की वैल्यू कितनी दी गई है? 10 डिग्री। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 12 sin 3a प्लस 5 cos 5, ब्रैकेट में 5a माइनस 5 डिग्री, अपॉन 9 sin 9a अपॉन 2 माइनस 4 cos, ब्रैकेट में है 5a प्लस 10 डिग्री। अब इसको देखिए, बहुत इजी है, कुछ नहीं करना है। a की वैल्यू आपको गिवन करा दी गई कितनी है? 10। तो जहां जहां भी आपका a है वहां पे रखिए आप 10, उसके अकॉर्डिंग देखिए आपका कंक्लूजन क्या निकल के आ रहा है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, डरना नहीं है। तो a की वैल्यू आपको दी गई है, ए की वैल्यू आपको दी गई है 10, जो कि गिवन है। तो 10 को इस इक्वेशन में पुट करते हैं ना। तो देखिए, 12 12 साइन 12, नखरे क्यों दिखा रहा है बताओ? हाँ, कितना है? 12 12 साइन साइन, इसके बाद दिया गया 3a, तो 3 इंटू ए की जगह पे क्या रखेंगे? 10। तो ये कितना हो जाएगा आपका? 30 एट साइन 30। समझ पाया ना? बहुत ही बेहतरीन। प्लस प्लस है आपका 5 5 cos cos, इसके बाद ब्रैकेट में आपका ये देखो, आपको देखो 5 इंटू ए की जगह पे क्या रखना है आपको? 10 10 माइनस आपका 5। तो ये आपका कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 50 50 में से 5 लेस करेंगे आ जाएगा आपका 45, करेक्ट। तो एक ही बार में लिख दे रहे हैं, आपका आ जाएगा 45। समझ में आए? डिनोमेटर की बात हुई यहाँ से खत्म, अब आते हैं न्यूमरेटर की बात हुई खत्म, और डिनोमेटर में आते हैं। अब अंश का काम कर लिया, अब आते हैं हर वाले में। तो 9 9 sin sin, ये कितना है? 9, और एक ही जगह पे रखना कितना है आपको? 10। तो ये हो जाएगा ऊपर 90, और 90 का आपको करना है आधा, तो 90 का आधा होता है आपका 45 डिग्री, करेक्ट। 45 माइनस माइनस 4 आपका एज इट इज, माइनस 4 आपका एज इट इज कॉस कॉस। और देखिए 5 ए प्लस 10,
एक ही जगह पे आप जब 10 रखेंगे तो ये हो जाएगा आपका 50, और 50 प्लस 10 हो जाएगा आपका 60, हाँ मतलब 60 डिग्री। अब आपको भी पता है क्या, बहुत इजी बन गया। कितना डरावना था, भयानक सा लग रहा था इक्वेशन, और कितने आसान वे में आपने इसको कन्वर्ट कर लिया। चलिए आगे जब इसको आप सॉल्व करिए, देखिए 12 एज इट इज रखिए, और साइन 30 की वैल्यू क्या होती है, साइन 30 की वैल्यू होती है अपनी 1/2 प्लस 5 आपका एज इट इज रहेगा, इनटू कॉस 45 की वैल्यू होती है 1/√2 अपॉन क्या दिया गया 9 आपका एज इट इज, और साइन 45 की वैल्यू क्या होती है 1/√2 इसकी भी होती है 1/√2 माइनस 4 कॉस 60 की वैल्यू क्या होती है, हाँ कॉस 60 की वैल्यू होती है आपकी 1/2 क्योंकि साइन 30 की वैल्यू जब साइन की वैल्यू का जब आप कन्वर्ट करेंगे रिवर्स करेंगे तो वो कॉस की वैल्यू होती है, तो क्या होती है 1/2। बात समझ में आई। अब यहां से देखिए कुछ लेस हो रहा है आपका, आप बिल्कुल देखिए कितनी बार में जाएगा आपका 6 टाइम में जाएगा, और देखिए ये आपका 2 बार में जाएगा, और कुछ कट रहा है नहीं। अब करते हैं इसको आगे और सॉल्व, तो देखिए आपका ऊपर आपका बचेगा ओनली 6 क्योंकि ये 2 तो आपका फिनिश हो गया, प्लस यहां से बचा आपका 5√2 अपॉन ये देखिए आपका 9√2 माइनस, है ना भाई, माइनस केवल और केवल 2 ही तो बचा है यहाँ पे, -2 ही तो बचा, तो -2 लिखिए आप यहाँ पे। इसके बाद आगे और इसको सॉल्व करिए आप, डिनोमेटर में आपका आ जाएगा 2√2, हाँ और देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई 6√2 प्लस 5 अपॉन देखिए डिनोमेटर में आ जाए आपका √2, और देखिए इसको सॉल्व करिए तो क्या हो जाएगा 9 माइनस टू रूट टू। यहाँ से देखिए आपका कुछ लेस हो रहा है बिल्कुल, देखिए √2 से ये √2 गया, इसके बाद और कुछ जा रहा है नहीं। चलिए अब फाइनल आप यहाँ पे वैल्यू लिख सकते हैं इसकी, तो फाइनल वैल्यू लिखिए यहाँ से क्या आ जाएगा, ऊपर वाले पार्ट में क्या आ जाएगा आपका 6√2 प्लस 5 अपॉन क्या बचा आपका 9 -2√2। यहाँ से देखिए आप 3 से काट भी सकते हैं, नहीं काटे नहीं, आंसर ही मैच कर रहा है। चलिए लिए और इजी हो गया आपका, तो ये हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। आंसर नंबर कौन सा मैच कर रहा है बताइए, नीचे क्या है 9 - 2, तो 9 - 2 देखो प्लस में तो वैल्यू 1 खत्म हो जाएगा, एलिमेंट मेथड लगाओ ये तो है ही नहीं, तो देखिए कौन सा वाला ऑप्शन होगा। देख पा रहे हैं ना, ऊपर वैल्यू प्लस की होनी चाहिए, नीचे माइनस की, ऊपर प्लस की नीचे माइनस की, ऊपर माइनस नहीं माइनस माइनस नहीं, तो ये भी कट जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी जो किया आपका करेक्ट हो जाएगा, 6√2 +5 अपॉन 9 - 2√2 जो कि आपका करेक्ट आंसर है। देखिए कितने इजीली आपने कर लिया इसको सॉल्व। चलते हैं नेक्स्ट देखिए 7 नंबर क्वेश्चन भी आपका SSC CGL का है, और 7 नंबर क्वेश्चन आपसे किस अंदाज में पूछना चाह रहा है ये तो देखिए ना, दिया गया आपको इफ 2k sin 30 cos 30 cot 60 इज इक्वल टू, इसको इससे कंपेयर कराना है, तो इसको करना पड़ेगा सर पहले छोटा क्योंकि इसके लिए एरिया चाहिए थोड़ी सी आपको ज्यादा, तो इसका कर लिया अभी छोटा, और बैकग्राउंड करते हैं इसका व्हाइट, करते हैं इसको सॉल्व स्मार्ट अप्रोच विथ ट्रिक के साथ, देखते हैं क्या क्या कह रहा है। दिया गया आपको 2, इसको फिर से रिपीट कर लेते हैं और यहाँ पे नोट डाउन करिए, यहाँ से नोट डाउन करिए क्या है आपका 2k sin 30 degree, और sin 30 degree into आपका cos 30 degree into cot 60 degree, हाँ इसको छोटा करके लिखिए क्योंकि ये भी कंडीशन है, दोनों को इक्वल एक ही साथ में करवाते हैं। चलो ये आपका 2, हाँ ये आपका 2k sin 30 और cos
और कॉट 60 इक्वल में दिया गया आपको कॉट स्क्वायर 30, सेक स्क्वायर 60 और टेन 45 अपॉन है आपका कॉसेक स्क्वायर 45 इंटू कॉसेक 30 करेक्ट। इसको करते हैं ना सॉल्व, कुछ नहीं आपको भी पता वैल्यू रखनी है आंसर आ जाएगा सर। चलिए तो करते हैं सॉल्व, 2k आपका एज इट इज और साइन 30 की वैल्यू आपकी क्या होती है 1/2 एज इंटेड इंटू कॉस 30 की वैल्यू होगी 1/√2 इंटू और क्या कर सकते हैं यहाँ पे, सॉरी ये क्या कर दिया मैंने, तो 2k साइन 30 की वैल्यू 1/2 और कॉस 30 की वैल्यू क्या होती है साइन 60 की वैल्यू को जब रिवर्स करेंगे कॉस 30 की वैल्यू बन जाएगी ना, तो क्या हो जाएगी √3/2 करेक्ट। इसके बाद इंटू कॉट 60 की वैल्यू जो की होती है क्या आपकी 1/√3 करेक्ट इज इक्वल टू इसकी वैल्यू रुक रखिए, तो क्या cot 30 की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी √3 और इसका करना है आपको स्क्वायर इंटू sec 60 की वैल्यू क्या होती है आपकी 2 हाँ sec 60 की वैल्यू होती है आपकी 2 का करना है आपको स्क्वायर इंटू tan 45 की वैल्यू होती है आपकी 1/ cosec 45 और sec 45 की वैल्यू दोनों ही होती है आपकी सेम जो कि क्या होती है आपकी √2 हाँ √2 बहुत ही बढ़िया क्या √2 का करना है आपको स्क्वायर इंटू cosec 30 की वैल्यू, तो भाई cosec 30 की वैल्यू अपनी क्या हो जाएगी cosec 30 की वैल्यू हो जाएगी आपकी 2 यस, क्योंकि sec 60 की वैल्यू को रिवर्स करेंगे तो हो जाएगी वो cosec 30 की वैल्यू तो हो जाएगी आपकी 2 बस। अब करते हैं इसको सॉल्व, देखिए बहुत ही बिंदास, देखिए 2k देखो यहां से आपको कुछ कन्वर्ट हो रहा है, पहले एक बार कर लेते हैं इसको सॉल्व आए, चलिए सॉल्व करते हैं इसको, तो ये हो जाएगा आपका 2k 1/2 ऐसे ना डायरेक्ट हम यहीं से काट सकते हैं पर काटना नहीं चाह रहे, एक स्टेप और लिखना चाह रहे हैं हम, 2k इंटू 1/2 इंटू √3/2 इंटू 1/√3 इज इक्वल टू इसका √3 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 3 इंटू 2 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 4 इंटू 1 रहेगा आपका अपॉन √2 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 2 इंटू 2 यहाँ से देखिए आपका क्या फिनिश हो जाएगा, देखो ये 2 देखो ये 2 से 2 गया और क्या जाएगा और देखिए आपका क्या जाएगा हाँ ये √3 गया और कुछ आ रहा है नहीं, अब इसको ऐड कीजिए सॉरी जो ऐड करना ऐड कीजिए मल्टीप्लाई में, मल्टीप्लाई ऐड वाला कुछ फंक्शन ही नहीं है, तो चलिए ये यहाँ से आपका क्या बचा केवल देखिए 2k ही तो बचा आपका, बाकी तो आपको पूरा फिनिश हो गया इज इक्वल टू यहाँ पे आपका क्या बचा 4 × 12 ये आपका कितनी बार में कट करेगा 6 टाइम में करेक्ट, तो k की वैल्यू आपकी कितनी आ गई 6 k इज इक्वल टू 6 जो कि आपका 100% राइट है, k की वैल्यू ही तो आपको फाइंड करने के लिए बोल रहा था भाई, तो ऑप्शन नंबर कौन सा ऑप्शन नंबर डी है ना अपना जो कि आपका करेक्ट है। चलते हैं नेक्स्ट, देखिए एक सीजीएल क्वेश्चन था और कितना इजी से आप सॉल्व कर पाते रहे थे, हम चाहते तो ये स्टेप ना लिखना चाह रहे थे डायरेक्ट यहीं से आपको सॉल्व करके बता देते, पर कुछ लोगों को अगर कन्फ्यूजन होती तो ऐसा होना नहीं चाहिए ना, तो इसीलिए कोई दिक्कत नहीं एक लाइन और बढ़ा के आपको समझ में तो आया, चलिए उसके बाद आपको इतना प्रिपेयर कर देंगे कि आप स्टेप कट करना भी सीख जाएंगे, स्टेप अगर स्किप करना सीख गए तो बहुत ही इजीली और बहुत ही जल्दी क्वेश्चन हो जाएगा। 8 नंबर देखिए आपसे क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन, 8 नंबर भी आपका बहुत ही बिंदास क्वेश्चन है, देखिए 8 नंबर भाई आप आइए और बताइए आप क्या कहना चाह रहे हैं, ऐसे पूछिए प्यार से वो बता देगा। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन जो है आपका क्या लिखा है, 4 sin² 2x - 10° इज इक्वल टू 3, ये आपका कंसेप्ट कुछ नेक्स्ट शुरू हो जाता है, देखिए कैसे है बहुत ही ढंग से समझिएगा, आपको दिया क्या गया भाई, दिया गया है आपको
गिवन है आपको फोर फोर साइन स्क्वायर स्क्वायर टू टू एक्स स्क्वायर टू एक्स माइनस टेन डिग्री के फॉर्म में, और इज इक्वल टू दिया गया आपको थ्री, इज इक्वल टू दिया गया थ्री। तीन कर पा रहे हैं ना, बहुत ही बेहतरीन। देखिए कैसे आप इसको रिलेट कर पाएंगे, कैसे आप इसको रिलेट कर पाएंगे। देखिए ये आपका क्वेश्चन कुछ नेक्स्ट लेवल का ही शुरू हो जाएगा, और बहुत ही ढंग से देखना। आप भूल जाइए कि ये क्या लिखा है 2x माइनस 10 डिग्री, आप ये इमेजिन कीजिए कि ये पूरी वैल्यू क्या लिखी है, थीटा। तो देखिए साइन स्क्वायर, ऐसे देखिए फोर साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू थ्री, समझ पा रहे हैं ना, बहुत ही बेहतरीन। चलिए तो इसको कैसे आप फाइंड करेंगे, यहाँ से इस पूरे को इमेजिन करिए कि ये आपका लिखा है थीटा। हाँ तो देखिए साइन साइन स्क्वायर, और आपको भी पता, ये एज्यूम कीजिए कि ये आपका लिखा है थीटा, जो कि क्या है 2x माइनस 10 डिग्री इज इक्वल टू 3 अपॉन, ये मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो आ जाएगा आपका डिवाइड में, करेक्ट। इसके बाद आपको भी पता है कि स्क्वायर हटाने के लिए क्या करते हैं, बोथ ऑन साइड रूट। हाँ तो जब दोनों साइड आप करेंगे रूट, जब दोनों साइड आप रूट कर देंगे तो क्या आ जाएगा आपका, आ जाएगा आपका साइन साइन, इस रूट से स्क्वायर खत्म हो जाएगा, यहाँ पे तो हो जाएगा 2x माइनस 10 डिग्री इज इक्वल टू रूट 3 अपॉन रूट 4, और रूट 4 का वैल्यू क्या हो जाएगी आपको ही पता है, क्या हो जाएगी आपकी 2। अब आपको मैंने क्या कहा था कि आप एज्यूम कीजिए कि ये वैल्यू आपकी क्या लिखी है थीटा, ये वैल्यू आपकी क्या लिखी है थीटा। तो साइन थीटा के किस एंगल पे रूट 3/2 वैल्यू होती है, साइन थीटा के किस एंगल पे रूट 3/2 वैल्यू होती है, तो होती है साइन 60 के वैल्यू पे। आपको थोड़ा सा लिख भी दे रहे हैं ना, तो देखिए यहां से साइड में यहीं पे लिख दे रहे हैं, साइन के 60 डिग्री पे इज इक्वल टू कितनी वैल्यू होती है, रूट 3/2 एज इंटेड, बहुत ही बेहतरीन। चलिए तो यहां से आपके थीटा की वैल्यू कितनी निकलेगी, तो थीटा देखिए तो हो जाएगा आपका 2x माइनस 10 डिग्री, हाँ 10 इज इक्वल टू हो जाएगा आपका रूट 3/2, जो कि किसकी वैल्यू होती है 60 की वैल्यू। समझ पाए ना, रिलेट कर पाए ना। चलिए यहाँ से आपका 2x इज इक्वल टू ये 10 माइनस का इधर जाएगा तो लेफ्ट हैंड साइड में हो जाएगा आपका 70, और यहाँ से बहुत ही प्यारे तरीके से x की वैल्यू आपकी कितनी निकलेगी, 35। कितनी, 35। समझ पाए ना, 35 डिग्री। अब आपको भी पता है, ये आपको रिलेशन दी गई है और इसके कंपेयर करा के आपको आंसर निकालना है। तो क्या है आपका साइन की पावर 4, साइन की पावर 4 एक्स माइनस 5 डिग्री प्लस कॉस की पावर 4 एक्स माइनस 5 डिग्री अपॉन 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर 3x माइनस 15 डिग्री इंटू कॉस स्क्वायर 3x माइनस 15 डिग्री। समझ पा रहे हैं ना, तो इसको अब करते हैं ना सॉल्व, इसको छोटा करके साइड में लगाइए इधर, क्योंकि हम चाह रहे हैं उसको यहीं पे सॉल्व करिए किया जाए। हाँ चलिए चलो, चलिए इमेजिन कर पा रहे हैं, कर पा रहे होंगे। चलिए इसके बाद आपको सॉल्व क्या करना है आपको बता दे रहे हैं, फिर से ये लिख दे रहे हैं आपको, अगर नहीं विजुअल हो पा रहा है, लिखा है आपका साइन, साइन की पावर 4, उसके बाद लिखा है एक्स, एक्स माइनस 5 डिग्री करेक्ट, प्लस कॉस, कॉस की पावर 4 एक्स माइनस 5 डिग्री अपॉन, अपॉन है आपका 1 माइनस 2 साइन, साइन स्क्वायर 3x माइनस 15 डिग्री इंटू कॉस स्क्वायर 3x माइनस 15 डिग्री। यहाँ से देखिए डायरेक्ट वैल्यू आपकी क्या निकलेगी, देखिए यहाँ से देख लें, साइन की पावर 4 एज इट इज, साइन की पावर 4 ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, x के पे क्या आपको पुट करना है, 35, 35 में से 5 लेस गया तो आपका बचेगा 30 करेक्ट। इसके बाद प्लस, प्लस कॉस की पावर 4 इंटू, इंटू आपका क्या है एक्स माइनस 5,
तो एक्स की जगह पे आपका 35, 35 में से 5 प्लेस हो जाएगा, आपका आ जाएगा 3। समझ पा रहे हैं ना? बहुत ही बढ़िया। 1 एज इट इज माइनस माइनस 2 इंटू साइन स्क्वायर। देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3x माइनस 15। एक्स की जगह पे रखेंगे आप 35, 35 का 3 टाइम मल्टीप्लाइंग कराएंगे कितना हो जाएगा, हाँ उसी में से 15 जब आप लेस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 90, है ना? सॉल्व कर लेना, पूरा आ जाएगा आपका 90। समझ पाए ना? बहुत ही बेहतरीन। इज इंटू कॉस स्क्वायर, ये भी आपका कितना बन जाएगा, 105, और 105 में से 15 जब आप लेस करेंगे तो आ जाएगा आपका 90 डिग्री। अब आप इसको सॉल्व करिए आगे। अब जब इसको आगे सॉल्व करेंगे, देखिए साइन की पावर 4, मतलब कि जो भी वैल्यू होगी, साइन 30 की वैल्यू क्या होती है आपकी, कलर चेंज करते हैं ना, साइन 30 की वैल्यू आपकी होती है 1/2, इसकी पावर कितनी करनी है आपको, 4, प्लस प्लस कॉस स्क्वायर, कॉस की स्क्वायर नहीं, कॉस की पावर 4, और कॉस 30 की वैल्यू क्या होगी आपकी, √3/2 का करना है आपकी पावर कितनी, 4 अपॉन 1 आपका एज इट इज माइनस 1 माइनस 2 इंटू साइन 90 की वैल्यू क्या होती है आपकी, साइन 90 की वैल्यू होती है, हाँ साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, 0 नहीं, साइन 0 की वैल्यू 0, साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, साइन 90 की वैल्यू 1, 1 का करना है आपको स्क्वायर, इंटू कॉस 90 की वैल्यू क्या होती है, कॉस 90 की वैल्यू होती है 0। समझ पा रहे हैं ना? बहुत ही बेहतरीन। देखो वैल्यू अगर आपको याद नहीं है, अगर आपको वैल्यू याद नहीं है तब तो भाई आपको फिर बहुत ही दिक्कत हो जाएगी, इसीलिए वैल्यू याद करना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। समझ पा रहे हैं ना? चलिए हाँ, तो कॉस स्क्वायर, कॉस 90 की वैल्यू होती है 1, कॉस 90 की वैल्यू होती है 0, सॉरी कॉस 90 की वैल्यू 0 होती है, 0 का करना है आपको स्क्वायर। यहाँ से देखिए आपका हो जाएगा मौज। चलो कैसे इसको देखते हैं ना, देखो डायरेक्ट सॉल्व कराएंगे यहाँ से हम, ओके आप देखिए यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, देखो 1/4 का करना है आपकी पावर 4, तो मतलब क्या हुआ, 1 की पावर कितनी भी कर दो आपकी 1 ही रहेगी, और 2 की पावर 4, मतलब 2 × 2 × 2 × 2 कितनी, 4 टाइम, 2 × 4 × 8 × 16 कितना, 2 × 4 × 4 × 8 × 8 × 16 हो गया ना, तो क्या हो जाएगी इसकी वैल्यू, 1/60 ना, प्लस प्लस यहाँ पे देखिए √3/2 की पावर 4, और नीचे तो पता है आपका 16 आएगा, और √3 को कितनी बार, 4 बार, मतलब कि √3 × √3 × √3 × √3 4 टाइम, तो √3 √3 बन जाएगा 3, और √3 √3 बन जाएगा 3, और 3 × 3 कितना हो जाएगा, 9। समझ पाए ना? बहुत ही बेहतरीन। तो क्या हो जाएगा, 9/16 अपॉन नीचे क्या आ जाएगा, नीचे देखिए आपका ये हो जाएगा भाई, ये आपका 0, और 0 से किसी का भी मल्टीप्लाई होता है तो वो वैल्यू क्या बन जाती है, ये वाली वैल्यू बन जाएगी आपकी 0। तो नीचे बचा क्या आपका, 1। जब डिनोमेटर में 1 बचा तो कुछ 1 लिखने की जरूरत है नहीं, नहीं लिखेंगे ना, चलिए या चलिए लिख लेते हैं, हाँ नीचे आपका 1 ही बचा। तो देखिए एलसीएम जब लेंगे तो आपका आ जाएगा 16, जब एलसीएम आपका एज इट इज है तो ऊपर हो जाएगा 10, यहाँ से आप हाफ करिए तो क्या हो जाएगा, 5/8, जो कि आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर, हाँ 5/8 कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी, जो कि आपका 100% राइट है। समझ में आना? बहुत ही लाजवाब, बहुत ही बेहतरीन, अच्छे कंसेप्ट पे आधारित था आपका ये क्वेश्चन। चलते हैं नेक्स्ट, नेक्स्ट देखते हैं आपका 9 नंबर उसी कंसेप्ट पर ही आधारित है क्वेश्चन ये, और बहुत ही बिंदास क्वेश्चन है भाई। चलते हैं करते हैं इसको सॉल्व बिना देरी किए हुए, एंड काइंड योर इंफॉर्मेशन, फिर से क्या दे रहा है आपको, 2 sin 3x - 15 हाँ इज इक्वल टू 1। आप देखिए 2 sin 3x - 15 डिग्री इज इक्वल टू 1। तो आपको मैंने क्या बताया, इसको आप एज्यूम करिए कि ये आपका क्या लिखा है भाई, थीटा, हाँ थीटा। चलिए
इसको एज्यूम करिए कि आप लिखा है थीटा, तो ये हो जाएगा आपका साइन, हाँ साइन 3x माइनस 15 इज इक्वल टू 1, और 2 आपका इधर मल्टीप्लाई में लेफ्ट हैंड साइड में, जब राइट हैंड साइड में जाएगा तो मल्टीप्लाई से कहाँ पहुंच जाएगा, डिवाइड में। और देखिए इसको एज्यूम करिए कि आपका लिखा है थीटा, और साइन के किस थीटा के एंगल पे 1/2 वैल्यू होती है, साइन के किस थीटा पे एंगल की वैल्यू 1/2 होती है, तो किसने एंगल पे होती है, तो 30 पे, हाँ साइन 30 पे इसके एंगल की वैल्यू क्या होती है 1/2। समझ में आया, लिख भी दिया। चलिए इसको जब आप आगे सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका 3, हाँ 3। देखो इसको सॉल्व करने का फंडा क्या होता है, ऐसे होता है देखो साइन साइन 3x माइनस 15 इज इक्वल टू साइन के कितने डिग्री पे 1/2 होता है, तो आप बोलेंगे साइन के 30 डिग्री पे होता है सर। तो देखिए यहाँ से आपका देखो सॉल्व कैसे होता है, साइन से साइन आपका कट जाता है, ठीक है, इसके बाद ऐसे मतलब तरीका होता है ये, साइन से साइन आप खत्म हो गया, उसके बाद बचा आपका 3x माइनस 15 इज इक्वल टू 30 है। तो देखो 3x इज इक्वल टू आपका ये हो जाएगा उधर जाके 45, तो देखिए 3 से आप जब इसको कट करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 3 से 1 बार में तो हो जाएगा 15 और हो जाएगा 15, हाँ करेक्ट, 15 बार में आपका जाएगा कट, ये आपकी x की वैल्यू फाइंड हो गई कितनी 15 डिग्री। अब देखिए फाइंड आपको क्या करना है, cos स्क्वायर 2x प्लस 15 डिग्री प्लस cot स्क्वायर x प्लस 15 डिग्री, इसको करते हैं ना फाइंड। एक बार फिर से नोट डाउन कीजिए, नोट डाउन नहीं करने की जरूरत है, आप डायरेक्ट यहाँ पे आप लिखिए वैल्यू कि आपको cos स्क्वायर यहाँ से चलिए cos, अरे यार cos स्क्वायर 2x, x की जगह पे कितना लिखेंगे 15, 15 दूनी 30, हाँ 30 15 कितने हो जाएंगे आपके 45, है ना 45। चलो वैल्यू लिख देखें डायरेक्ट, चलो एक बार लिख देते हैं 15 प्लस cot स्क्वायर, x की जगह पर रखें 15, और 15 प्लस 15 कितना हो जाएगा आपका 30। समझ में आई बात, बहुत बढ़िया। अब आपको भी पता है इसमें रखना है इसकी वैल्यू, एंगल की वैल्यू रखना है इसमें, cos 45 की वैल्यू होती है 1/√2, इसका करना है स्क्वायर कर देते हैं ना, प्लस cot 30 की वैल्यू क्या होती है 3, हाँ 3 का भी करना है आपको स्क्वायर। फाइनल यहाँ पे रिजल्टेंट क्या आ जाएगा आपका, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 2, प्लस 3 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 3। यहाँ से जब आप फाइनल सॉल्व करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो डिनोमिनेटर में तो आपका 2 आएगा, न्यूमरेटर में 2 3 6, 6 + 1 कितना हो जाएगा 7, 7/2, जो कि आपका 100% करेक्ट आंसर है। आंसर नंबर कौन सा मैच कर रहा है भाई, 7/2, ऑप्शन नंबर डी जो कि आपका करेक्ट है, 5/2 नहीं है, 5/2 नहीं है, 7/2 है, बड़ी वैल्यू पहले छोटी वाली बाद में, और उससे भी बड़ी वाली वैल्यू आपकी करेक्ट डी है। समझ पाए ना, बहुत ही बेहतरीन। चलिए SSC CGL का क्वेश्चन था 9 नंबर, चलते हैं नेक्स्ट आपका देखिए 10 नंबर, ये भी उसी कंसेप्ट पर आधारित है। दिया क्या गया है आपको, यहाँ से आपको थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है ना, थीटा की वैल्यू ये आपको दी गई है, क्या ये आपकी एक्सप्रेशन है क्या, साइन एक्स प्लस 30 डिग्री इज इक्वल टू 3/√12, हाँ देन द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, रेंज आपको क्या दी गई है, एक्स जो है थीटा, एक्स की वैल्यू क्या मतलब थीटा को ही माना किया, एज्यूम किया गया है थीटा जो 0 डिग्री से बड़ा है, थीटा 90 से छोटा, मतलब एक्यूट एंगल की कंडीशन दी गई है। SSC CHSL का क्वेश्चन है, करते हैं ना इसको सॉल्व धुआंधार तरीके से। दिया गया आपको, गिवन है भाई, आपको गिवन है साइन एक्स प्लस 30 डिग्री इज इक्वल टू 2/√12। चलिए ये दुनिया के लिए 2/√12 है, पर आप इसको कैसे फैक्टराइजेशन कैसे तोड़ सकते हैं, इसको गुणनखंड विधि से, देखो √12 इसको गुणनखंड विधि से कैसे तोड़ सकते हैं, तो आप ऐसे कर सकते हैं ना, 4 3 12 कर सकते हैं ना,
और चार का रूट कितना होता है, टू, जो कि बाहर आ जाएगा और रूट थ्री अंदर बच जाएगा। तो आप इस वैल्यू को कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं ना, कर सकते हैं ना, बहुत ही बेहतरीन। चलिए तो आप इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको आप कैसे लिख सकते हैं, इज इक्वल टू टू अपॉन टू अपॉन, चलिए इसको सॉल्व भी कर देते हैं हम इसके नेक्स्ट स्लाइड पे। चलिए ये आपका क्या है, एच डी रखिए, साइन साइन एक्स प्लस 30, जो कि आपका सिमिलरली लिखना है इस, यही इसके बाद टू अपॉन ये क्या हो जाएगा आपका 4 इंटू 3, जो कि आपको पता है 4 का रूट हो जाएगा 2, जो कि आ जाएगा आपका बाहर, तो ये हो जाएगा आपका 2 अपॉन 2 रूट 3, करेक्ट। और देखिए यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, 2 से 2 आपका फिनिश हो जाएगा, तो यहाँ से बचेगा क्या आपका, बचेगा भाई ये कि साइन साइन एक्स प्लस 30 डिग्री, हाँ, इज इक्वल टू 1/√3 1/√3। अब देखिए यहां से 1/√3, एक चीज मिस्टेक कर रहे हैं, सॉरी, ये देखिए हम थोड़ा ध्यान नहीं दे पाए, ऊपर लिखा है आपका 3, हम विजुलाइज क्या कर रहे हैं, 2 विजुलाइज क्या कर रहे हैं, 2, जो कि आपका 2 नहीं ऊपर 3 है भाई, तो यहां पे थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, आपको 3 करना है। हाँ चलिए क्या करना है आपको, 3, तो कोई दिक्कत नहीं भाई, मिस्टेक हो गई तो उसको सही करना भी अपना कर्तव्य बनता है ना। चलो तो ऊपर भाई आपका 3 है, तो यहाँ से आपका क्या आ जाएगा, यहाँ से आपका आपका 3 और 2√3। अब आप यहाँ से जब कट करेंगे तो देखिए √3 को 3 कितने बार में कट करेगा, 3 बार में, तो यहाँ से आपका क्या आ जाएगा, √3/2। समझ पाए, अब हमने क्या बताया था, ऐसी कंडीशन सॉल्व की ना अभी, तो साइन, और ये क्या लिखा है, इसको आप एज्यूम कीजिए कि ये लिखा है आपका थीटा, तो साइन थीटा के किस एंगल की वैल्यू होती है √3/2, साइन थीटा के, मैंने क्या बोला, साइन थीटा के किस एंगल पे वैल्यू होती है √3/2, तो साइन के 60 एंगल पे होती है ना, तो आप लिख भी लीजिए यहाँ पे, जो कि हाँ साइन के 60 डिग्री पे इसकी एंगल की वैल्यू क्या होती है, √3/2। बहुत ही अच्छे तरीके से फैमिलियर हो चुके हैं आप। चलिए तो यहां से देखिए आपका, तो ये क्या हो जाएगा आपका एक्स एक्स प्लस 30 इज इक्वल टू 60, तो एक्स की वैल्यू यहां से कितनी आ जाएगी आपकी 30 डिग्री, जो कि 100% आपकी राइट है, और एक्स की वैल्यू ही आपको फाइंड करने के लिए बोल रहा था, और एक्स की वैल्यू निकली आपकी 30 डिग्री, ऑप्शन नंबर डी जो कि आपका करेक्ट है। समझ में आई बात भाई, बहुत ही बेहतरीन, लाजवाब, ठीक है ना। यहाँ पे आपका 3 था, हमने एज्यूम कर लिया था 2, करेक्ट, जो कि आपको 2 नहीं वहां पे 3 रखना है, जब 3 रखेंगे तब आपको 3 था, हमने ले लिया था 2। चलिए आगे चलते हैं ना 11 नंबर, और 11 नंबर क्वेश्चन बहुत ही लाजवाब, बहुत ही बेहतरीन है, इसको आप सोचिए क्या सोच सकते हैं, एक मिनट का आपको टाइम दे रहे हैं, सोचिए क्या सोच सकते हैं इस क्वेश्चन के बारे में, आप जल्दी जल्दी सोचिए, 1 मिनट का टाइमर लगा लीजिए, और 1 मिनट के अंदर आपको बताना है कि इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, उसके बाद हम तो है ही बताने के लिए, है ना। चलिए बहुत ही बिंदास क्वेश्चन है, कैसे आप रिलेट करके इसको सॉल्व कर पाएंगे, कैसे रिलेट करके आप इसको सॉल्व कर पाएंगे बताइए। हाँ भाई हुआ सॉल्व। चलिए देखो इसको अगर आप इनटू करा के ले जाएंगे तो वो फंडा बहुत ही आपका लेंदी होता चला जाएगा,
तो इसमें क्या कर सकते हैं, एक फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए इसमें, वो आपको बता रहे हैं कि क्या। देखिए साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर। करेक्ट, बचपन में हम कैसे लिखते थे इसी फॉर्मूले को, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी। करेक्ट लिखते थे ना, बचपन की चीज है ना। चलिए हाँ, तो ऐसा ही कुछ आपको फॉर्मूला है क्या, ये देखिए फॉर्मूला बन रहा है आपका ए प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बन रहा है। देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला आपका क्या बनेगा, इसका फॉर्मूला आपको याद रखना है क्या होता है, ए प्लस बी, ए प्लस बी और ए माइनस बी। करेक्ट, इसका फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी और ए माइनस बी, याद रहेगा ना, इसी फॉर्मूले का आपको यहाँ पे होगा यूज। करेक्ट, चलिए तो फॉर्मूला क्या था आपका, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला आपका यहाँ पे यूज हो रहा है, जो कि बहुत ही अच्छे तरीके से आप जानते हैं क्या होता है, ए प्लस बी, एक ब्रैकेट में आपको होता है ए प्लस बी और सेकंड ब्रैकेट में आपकी वैल्यू हो जाती है ए माइनस बी। ये आपका क्या है भाइयों, तो ये है आपका फॉर्मूला। हाँ, ये है आपका फॉर्मूला। चलिए ये आपका है फॉर्मूला, बात समझ में आई, बहुत ही बेहतरीन। तो रिलेट कीजिए ना, ये आपका वही लिखा है ए प्लस बी और ए माइनस बी ही तो भाई लिखा है ना, ए प्लस बी ए ए माइनस बी, तो क्या है कॉस स्क्वायर ए माइनस बी, टू कॉस स्क्वायर ए माइनस बी का फॉर्मूला है, किसका है, तो आपका फॉर्मूला है टू। हाँ ये देखो किसका है टू, हाँ देखो क्या भाई लिखा है, इसी फॉर्मूले को एक्सपेंड करके मतलब खोल के लिख दिया गया है, तो अब एक्सपेंड वाले पार्ट को आपको कन्वर्ट करके उस फॉर्म में लाना है, समझ पा रहे हैं ना, बहुत ही बेहतरीन। तो क्या हो जाएगा टू कॉस ए माइनस वन, ठीक है, इसका क्या करना है आपको स्क्वायर, है ना, बात समझ पा रहे हैं, मतलब क्या इसका भी आपको करना है स्क्वायर और माइनस इसका वन का भी करना है आपको स्क्वायर। चलो इसको फिर से लिख देते हैं टू कॉस ए ए स्क्वायर, ये बोला पार्ट ए है और माइनस वन जो कि ये बी का पार्ट अज्यूम कर रहा है, क्या इसका करना है आपको स्क्वायर। तो देखिए यहाँ से वैल्यू फाइंड कीजिए, अब पूछा क्या गया आपको, ये रेंज देखिए ए जो है आपका जीरो से बड़ा है पर ए 90 से अभी पता नहीं क्या है क्या होगा, देन द फाइंड, हाँ देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए, ए की वैल्यू आपको पूछी गई है। चलिए करते हैं ना प्यार तरीके से सॉल्व, प्यार भरी नजरों से करते हैं ना भाई सॉल्व। चलिए टू कॉस स्क्वायर तो क्या हो जाएगा, टू का स्क्वायर क्या होगा, पहले टू का भी भाई स्क्वायर करना, तो ये हो जाएगा आपका फोर और ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर ए माइनस वन का स्क्वायर आप जानते ही वन ही होगा। अब देखिए आप यहां से क्या कर सकते हैं, हाँ प्रॉपर्टी आपको पढ़ाई थी ना साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन, उसी प्रॉपर्टी से ये भाई आपका बन सकता है क्वेश्चन, तो याद करते हैं ना, अब प्रॉपर्टी लिखते हैं उसके बाद देखते हैं किस फॉर्म में इसको रिलेट करा सकते हैं हम। चलिए प्रॉपर्टी आपने पढ़ रखी है क्या, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन, बहुत ही बेहतरीन तरीके से पढ़ी है ना। चलिए अब आप इसको इससे कैसे रिलेट करा सकते हैं, इसको देखो ऐसे रिलेट कराना, देखो आपको ऐसे बता दे रहे हैं फोर आपको एज इट इज, और कॉस स्क्वायर ए को किस फॉर्म में आप लिख सकते हैं, देखिए कॉस स्क्वायर ए माइनस वन, माइनस वन और वन का भी आपको करना है क्या स्क्वायर, है ना। तो चलिए कैसे सॉल्व करेंगे, या तो आप वन को भी फॉर्म में ले लो या फिर आप केवल कॉस स्क्वायर को कन्वर्ट कर लो, ठीक है। तो देखिए कॉस स्क्वायर कन्वर्ट करिए, कॉस स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका, कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन आपका एज इट इज रहेगा, ये माइनस की वैल्यू राइट हैंड साइड में जाएगी तो प्लस की वैल्यू राइट हैंड साइड में जाएगी तो माइनस की वैल्यू हो जाएगी, तो माइनस का साइन स्क्वायर थीटा, तो मतलब हम क्या मतलब ये हुआ कि कॉस स्क्वायर की जगह पे वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं ना, बहुत ही बेहतरीन। तो इसकी जगह पे क्या रखेंगे, वन माइनस साइन
स्क्वायर ए, थीटा की जगह पे माइनस वन, आप इसको सॉल्व किए तो क्या हो जाएगा, फोर, है ना, फोर, फोर माइनस फोर साइन स्क्वायर ए माइनस वन। और क्या कर सकते हैं यहाँ पे, ये तो आपका इक्वेशन बनती हुई चली जा रही है, ठीक है ना। तो देखिए इसको और कैसे इजी सॉल्व कर सकते हैं, मेरे मन से तो आ रहा भाई ये कि इसको इक्वल में ले जाओ, इसको कन्वर्ट करो और एंगल के आधार में इसको तोड़ दो। बहुत बढ़िया, चलिए बहुत ही अच्छा कंसेप्ट मैं बताने जा रहा हूँ, इससे भी इजी आपका, क्योंकि वो आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट होता चला जा रहा है। चलिए इसको बहुत इजीली और कर सकते हैं क्या, देखिए भाई कर यहाँ पे ये सकते हैं, चलिए और भी इजी फंडा आपको बता रहे हैं। इसका किया तो आपने क्या आया, फोर कॉस स्क्वायर ए माइनस वन, जब आपने इसको सॉल्व किया। अब वन को लीजिए इक्वल में, तो देखिए यहाँ से लिखिए आप कॉस, कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू माइनस का इधर राइट हैंड साइड में प्लस हो जाएगा और अपॉन ये फोर मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड में। तो देखिए आपको स्क्वायर हटाने के लिए क्या करना पड़ता है, दोनों साइड रूट, हाँ बोथ ऑन साइड रूट, दोनों साइड करेंगे रूट, रूट स्क्वायर आपका फिनिश हो जाएगा। तो देखिए यहां से जब दोनों साइड रूट करेंगे तो क्या आ जाएगा यहाँ पे आपका कॉस, क्योंकि स्क्वायर तो रूट, स्क्वायर ने रूट को खत्म कर दिया, इज इक्वल टू वन अपॉन वन का भी रूट किया या अदर राइट हैंड साइड में रूट फोर का भी, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी वन बाई टू। अब आप एज्यूम कीजिए भाई, क्या मौज हो गई ना, कॉस के किस एंगल पे वन बाई टू वैल्यू होती है, कॉस के किस एंगल पे वन बाई टू वैल्यू होती है, तो आप बोलेंगे सर होती है ना 60 के एंगल पे, हाँ 60 एंगल पे। चलिए देखिए कितने इजीली बन गया, वो तो आपकी क्वाड्रिक इक्वेशन बनती हुई चली जा रही थी, ठीक है। तो चलिए देख लिया था हमने क्रॉस मल्टीप्लाई, क्रॉस चेक करके कि उससे भी क्या हो सकता है, पर कुछ नहीं, जब उससे भी लेंदी जा रहा, तो हम तो आपको बिल्कुल ईजी मैथड बताना चाहते हैं ना, तो ये आपका ईजी है ना, तो ये होता है लिख लेना साइड में, कॉस के, कॉस के 60 डिग्री पे, कॉस के 60 डिग्री पे वैल्यू क्या होती है इसकी, 1 बाई टू, समझ पाए ना, बहुत ही बेहतरीन। तो यहां से ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, एंगल ए की वैल्यू आ जाएगी आपकी 60, जो कि आपकी 100% करेक्ट आंसर की आ गई है। ऑप्शन नंबर कौन सा है, ऑप्शन नंबर डी जो कि आपका करेक्ट है, हाँ समझ पाए ना, बहुत ही बेहतरीन। तो इसीलिए कहा था ना कि ये वैल्यू भाई बार बार आपको रिपीट करा रहे हैं ना, चलिए कि आपको ये वैल्यू तो भाई याद करके रखनी ही पड़ेगी। अब बात फंस गई वहां पे ना कि क्या कॉस की 1/2 किस एंगल पे वैल्यू होती है, तो आप बोलेंगे ना कॉस की 1/2 एंगल 60 के पास जब पहुंचेंगे तब वैल्यू होती है ना। तो देखिए कितना महत्व है ना अपनी टेबल का, तो टेबल तो आपको याद करनी ही पड़ेगी भाई, वरना अगर याद ना करना चाहे तो फिर काम चलने को तो भी चलता ही रहता है, आप भी जानते हैं उसमें मजा नहीं है पढ़ने में। तो चलिए ऐसी दुविधा आने की नौबत क्यों दें हम, हाँ तो बहुत ही प्यारे तरीके से हमने 11 नंबर भी क्वेश्चन किया है सॉल्व। अब बढ़ते हैं आगे, क्या किया फिर से बता दें, सबसे पहले हमने ए, एक फार्मूला आता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, दो ब्रैकेट में इसको ब्रेक करते हैं a प्लस बी और a माइनस बी, उसी फॉर्म में लिखा a प्लस बी a माइनस बी। इसके बाद हमने सॉल्व किया, फिर हमने देखा कि यहाँ पे वो वाली इक्वेशन लगाने की कोशिश की, तो वहां से क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही थी जो कि बहुत ही लेंदी होता चला जा रहा था। फिर हमने एक और दिमाग लगाया कि क्यों ना इसको कन्वर्ट करके ऐसे फॉर्मेट भी किया जाए, और एंगल ए की ही वैल्यू तो निकालनी है जो कि आपने बहुत ईजिली निकाली, एंगल ए की वैल्यू क्या आ गई 60, जो कि आपका SSC CGL का कुछ क्वेश्चन था पूछा गया, आपने बहुत इजीली कर लिया सॉल्व। चलते हैं 12 नंबर पे, देखिए 12 नंबर अच्छे से पढ़ना, बहुत ही बिंदास क्वेश्चन है SSC CGL। रेंज दी गई है थीटा जो है 0 डिग्री से बड़ा है पर थीटा 90 से छोटा है, ये आपकी एक्यूट एंगल की रेंज है, न्यून कोण हिंदी बोलते हैं, हिंदी मीनिंग होती है न्यून कोण, हाँ। एंड कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 3 कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, देन द वैल्यू ऑफ 1/2 sec थीटा प्लस साइन थीटा का इनवर्स, क्या निकालना है वैल्यू, इनवर्स, इनवर्स इसको बोलते हैं। चलिए बहुत ही कंसेप्ट आपको अच्छा इसमें बताएंगे हम, सबसे पहले तो करते हैं इस वाली प्रॉपर्टी को सॉल्व।
चलिए बहुत ही ध्यान से करना, क्योंकि ये क्वेश्चन आपको एक से दो बार प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी। समझ पा रहे हैं ना? चलिए पहले तो इसका बैकग्राउंड चेंज करते हैं, एरिया चाहिए ज्यादा इसको सॉल्व करने के लिए। क्या लिखा है? कॉस स्क्वायर थीटा माइनस थ्री, ब्रैकेट में आपका कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। नोट डाउन करिए फिर से, आपका है कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा हाँ इज इक्वल टू, कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू थ्री, ब्रैकेट में आपका कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, माइनस है आपका कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा। चलिए एक भी स्टेप इसकी मिस नहीं करेंगे, हाँ स्किप नहीं करेंगे, एक भी स्टेप, सभी स्टेप आपको बताएंगे कैसे इसको सॉल्व करेंगे, घबराना नहीं है। कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, इसका थ्री का मल्टीप्लाई कराइए अंदर, तो क्या हो जाएगा? थ्री कॉट स्क्वायर थीटा माइनस थ्री का इसमें भी तो मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो जाएगा थ्री कॉस स्क्वायर थीटा। बात समझ में आई? बहुत ही बेहतरीन। इसके बाद सेम कैटेगरी की वैल्यू को सेम कैटेगरी के पास भेजिए, ठीक है? तो कॉस को इधर जब कन्वर्ट करेंगे आप लाके लेफ्ट हैंड साइड में, तो माइनस का था तो प्लस की वैल्यू हो जाएगी, यहाँ पे वन है यहाँ पे थ्री, तो क्या हो जाएगा आपका? फोर, फोर कॉस स्क्वायर थीटा, फोर कॉस स्क्वायर थीटा हाँ इज इक्वल टू, राइट हैंड साइड में आपका रहेगा कॉस थ्री कॉट स्क्वायर थीटा। ये वाली कॉस की वैल्यू तो आप इधर ले गया है, जो कि बन गया आपका फोर कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू थ्री कॉट स्क्वायर थीटा। अब इसको करते हैं ना सॉल्व, तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे भाई। फोर कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू थ्री, आपका जी टी दिखेगा। कॉट को कैसे लिख सकते हैं? कॉट को ऐसे लिख सकते हैं ना, कॉस थीटा कॉस स्क्वायर की वैल्यू है ना, तो स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं ना। बहुत ही बेहतरीन। चलिए यहाँ से देखिए आपका कुछ मिस हो रहा है, कॉस स्क्वायर से ये आपका कॉस स्क्वायर खट गया। इसके बाद देखिए इसको इधर लाइए और इसको उधर ले जाइए, रिवर्स क्रॉस मल्टीप्लाई ऐसे बोलते हैं ना इसको। चलिए तो क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे? देखिए तो ये हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर थीटा, थ्री आपका एज इट इज रहेगा, ये आपका यहाँ पे मल्टीप्लाई में राइट हैंड साइड में जाएगा तो हो जाएगा डिवाइड में। और आपको स्क्वायर को हटाने के लिए बहुत ही ढंग अच्छे तरीके से पता है, बोथ ऑन साइड दोनों साइड क्या करते हैं? रूट, करेक्ट। चलिए तो यहां से आप देखिए साइन साइन थीटा इज इक्वल टू रूट थ्री बाई रूट फोर हो जाएगा, और रूट फोर की वैल्यू क्या होती है आपको भी पता है बहुत ही बेहतरीन तरीके से, टू। साइन के किस थीटा के एंगल पे वैल्यू होती है? रूट थ्री बाई टू। तो आप बोलेंगे सर ये होती है साइन के 60 डिग्री पे एंगल की वैल्यू क्या हो जाती है? रूट थ्री बाई टू, करेक्ट, रूट थ्री बाई टू। तो यहां से भाई थीटा की वैल्यू कितनी आई? थीटा इज इक्वल टू हाँ 60, थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री। अब इसके बाद कंडीशन आपको क्या दी गई है? ये इस कंडीशन को करना है सॉल्व, इस कंडीशन को नेक्स्ट पेज में करते हैं सॉल्व भाई, यहाँ पे हो नहीं पाएगा। क्या है? वन अपॉन सेक थीटा प्लस साइन थीटा का इनवर्स। कंडीशन है आपकी हाँ, कंडीशन है आपकी वन अपॉन टू सेक थीटा, वन अपॉन टू सेक थीटा प्लस साइन थीटा का इनवर्स, प्लस साइन थीटा इनवर्स। चलिए इसका करना क्या है आपको? इनवर्स, जैसे माइनस वन की वैल्यू लिखा होता है इसे माइनस, इसका मतलब होता है भाई को इसको इनवर्स करना, मतलब पलटा देना है हाँ, ओवरलैप करा देना ये होता है। चलिए बहुत ही अच्छे से बताएंगे आपको, घबराना नहीं है भाई, इसको करते हैं सॉल्व। चलिए तो वन बाई टू आपका एज इट इज इंटू सेक, सेक थीटा की वैल्यू आपने कितनी फाइंड की? थीटा की वैल्यू आपने फाइंड की ना 60, तो यहाँ पे लिखेंगे आप 60 हाँ प्लस साइन 60, इसका करना है आपको इनवर्स।
आगे और सॉल्व करिए, 1/2 आपका एज इट इज, और sec 60 की वैल्यू क्या होती है आपकी 2, sec 60 की वैल्यू होती है आपकी 2, प्लस sin 60 की वैल्यू होती है आपकी √3/2, इसका करना है आपको इनवर्स, हाँ इनवर्स। आगे इसको सॉल्व कीजिए तो क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ से आपका क्या हो जाएगा कि 2 से 2 आपका कट जाएगा, यहाँ पे बचेगा 1 + √3/2, चलिए लिख देते हैं एक बार, यहाँ से बचा आपका 1 + √3/2 का करना है आपको इनवर्स। आगे इसको यहाँ पे सॉल्व करिए तो क्या हो जाएगा, जब आगे यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए डिनोमेटर में आपका आ जाएगा 2, हाँ भाई ये क्या हो गया, मिट गया क्या, नहीं चलिए सर करेक्ट है 2, हाँ इसके बाद 2 क्रॉस मल्टीप्लाई 2 × 1 = 2, 2 + √3, हाँ 2 + √3, इसका करना है आपको इनवर्स, क्या करना है इनवर्स। इनवर्स का मतलब वो ये होता है इसकी वैल्यू को पलट दो, हाँ वैल्यू को पलट दो, तो क्या हो जाएगा आपका 2 ऊपर पहुंच जाएगा, न्यूमरेटर डिनोमेटर बन जाएगा, डिनोमेटर न्यूमरेटर बन जाएगा √3। अब देखिए कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, 2/2 + √3, भाई ऑप्शन कोई मैच नहीं कर रहा, मतलब क्या रॉन्ग किया, नहीं यहाँ पे इसका रेशनलाइजेशन कराया गया है, करेक्ट। तो देखिए आज आज आपका वो वक्त आ गया है कि रेशनलाइजेशन परिमेयकरण कैसे करते हैं, हाँ लुक एट दिस स्मार्ट बोर्ड, स्मार्ट अप्रोच के साथ आपको कंसेप्ट सिखाने जा रहे हैं, एंड फाइंड योर इंफॉर्मेशन, रेशनलाइजेशन कैसे करते हैं। नीचे डिनोमेटर की वैल्यू देखिए क्या लिखा है, जो वैल्यू दिखी उसके बीच में देखिए निशान कौन सा है, प्लस का है तो माइनस कर देते हैं, तो कैसे करते हैं 2 − √3, करेक्ट। इससे ऊपर नीचे क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई 2 − √3, तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा a प्लस, हाँ देखिए a² − b² का फॉर्मूला बनेगा, चलो सॉल्व कर दे रहे हैं भाई, डायरेक्ट नहीं करेंगे, चलिए कोई दिक्कत नहीं। नीचे बनेगा आपका देखो a² − b² का फॉर्मूला बनेगा, बात समझ में आई, बहुत ही बेहतरीन। ऊपर क्या हो जाएगा आपका 2, हाँ 2 − √3। अब देखिए नीचे यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये भाई हो जाएगा आपका देखिए इसका 4² चलो लिख देते हैं 2 − √3, आंसर तो आपका यही आ गया है, 2² होता है आपका 4 और −√3² होगा जाएगा आपका 3, तो नीचे क्या आ जाएगा आपका, ये वैल्यू हो जाएगी आपकी 1, राइट। तो आंसर क्या आ जाएगा 2 − √3, करेक्ट। तो इसकी डायरेक्ट वैल्यू क्या आ जाएगी 2 − √3, जो कि आपका करेक्ट आंसर निकल के आ गया है। कॉन्सेप्ट समझ गए ना रेशनलाइजेशन का, आंसर क्या आया 2 − √3, 2 कौन सा आंसर मैच कर रहा है 2 − √3, ऑप्शन नंबर बी जो कि आपका करेक्ट है, किसमें पूछा गया था SSC CGL में, अपने आप में बहुत ही दमदार बढ़िया क्वेश्चन था, अच्छे लेवल का क्वेश्चन था, ठीक है। और आपको भी पता है जितने भी क्वेश्चन कर रहे हैं सारे ही अच्छे लेवल के हैं ना, और आपके CGL के हाँ प्री एंड मेंस में पूछे गए क्वेश्चन है, अभी तक जितने भी क्वेश्चन किए हैं सारे आपके CGL में पूछे गए क्वेश्चन है। चलते हैं आगे नेक्स्ट कंसेप्ट पे, कौन सा क्वेश्चन है ये भी आपका बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को भी करते हैं ना सॉल्व। 13 नंबर क्वेश्चन देखिए, 13 नंबर क्वेश्चन आपको क्या दिया गया है, ये दिया गया है cos²θ / cot²θ + sin²θ − 1 = 3, ये आपको रेंज दी गई है, देन द वैल्यू ऑफ tan θ + cosec θ की वैल्यू आपको करनी है फाइंड, कैसे रिलेट करेंगे, करते हैं ना सॉल्व। चलिए देखिए क्या लिखा है आपको, कॉस, जब कभी भी ऐसी सिचुएशन लिखी हो तो आपको कुछ नहीं करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई कराना है, क्या क्रॉस मल्टीप्लाई, करेक्ट। चलिए तो क्या हो जाएगा आपका, देखिए ये वैल्यू इधर चली जाएगी और वो वाली तो इधर रहेगी, तो क्या हो जाएगा आपका, देखो cos²θ हाँ इज इक्वल टू 3 का सब में मल्टीप्लाई होगा, ऐसे देखो 3 आपका ऐसे लिखा है और इसका ये वाला पार्ट उधर लिख दे रहे हैं एक बार, कोई दिक्कत नहीं, cot²θ + θ + + आपका साइन
स्क्वायर थीटा माइनस वन। अब इसको करते हैं ना सॉल्व। चलिए कॉस स्क्वायर थीटा आपका एज इट इज रहेगा, कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू थ्री का सब सभी पार्ट में मल्टीप्लाई, थ्री का इसमें मल्टीप्लाई करो तो हो जाएगा थ्री कॉट स्क्वायर थीटा प्लस थ्री साइन स्क्वायर थीटा, और थ्री का वन में भी तो होगा माइनस का थ्री। अब देखिए आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, अब आप यहाँ से कई तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट बता रहे हैं सॉल्व करने का। देखिए एक फॉर्मूला आपने पढ़ा था, क्या वो पढ़ा था आपने, साइन स्क्वायर थीटा माइनस, यहाँ पे लिखते हैं फॉर्मूला क्या पढ़ा था, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन, करेक्ट। तो देखिए इसको कॉस के फॉर्म में कन्वर्ट कीजिए तो क्या हो जाएगा, यहाँ से कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन आपका एज इट इज रहेगा, ये माइनस का उधर चला जाएगा ना, प्लस की वैल्यू उधर चला जाएगा तो माइनस का साइन स्क्वायर थीटा। तो कॉस कॉस स्क्वायर थीटा की जगह पे क्या लिख सकते हैं, वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा, वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा, करेक्ट। आपकी मर्जी, या आप कॉस को चेंज कर लो या फिर आप इसके राजा हो साइन को चेंज कर लो, करेक्ट। हमने क्या दोनों को बता दिया, आप दोनों की वैल्यू लिखते हैं, अब देखते हैं किसके सॉल्व करते हैं। इसके बाद आपकी वैल्यू, आपका मन है कि आप साइन की वैल्यू को कन्वर्ट करें, तो साइन की वैल्यू जब कन्वर्ट करते क्या हो जाएगा, साइन आप पॉजिटिव रखिए साइन स्क्वायर थीटा और इज इक्वल टू वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। हमने आपको दोनों ही बता दी, अब आपकी मर्जी किससे सॉल्व करेंगे। तो मतलब ये हुआ, या तो आप इस वाले पार्ट में साइन को कन्वर्ट कर लो या इस वाले पार्ट में आप कॉस को कन्वर्ट कर लो। तो बताइए किससे कन्वर्ट करें, साइन से कन्वर्ट करें, साइन से बता दे रहे हैं, कॉस से आप अपना कर लेना, दोनों से आंसर सेम आएगा, मेथड दोनों का सेम है। तो हम किसको यूज करेंगे, यूज करते हैं ना सेकंड वाले को, इसको करते हैं यूज। चलिए सेकंड वाले को, तो देखिए यहां पे आपका हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा एज इट इज इक्वल टू थ्री कॉट स्क्वायर थीटा प्लस थ्री साइन स्क्वायर थीटा की जगह पे आपने क्या लिखा, साइन स्क्वायर थीटा की जगह पे वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस थ्री। आगे और सॉल्व करिए क्या हो जाएगा आपका, कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू थ्री कॉट स्क्वायर थीटा माइनस थ्री का अंदर दोनों में मल्टीप्लाई होगा ना, तो क्या हो जाएगा प्लस थ्री माइनस का थ्री कॉस स्क्वायर थीटा माइनस थ्री। यहाँ से देखिए आपका, यहाँ से आप देखेंगे तो थ्री प्लस का और थ्री माइनस का आपका कट जाएगा और क्या होगा, कुछ नहीं। आगे और इसको सॉल्व करिए, कॉस की वैल्यू को सेम कैटेगरी के पास लाइए, तो माइनस का इधर आएगा तो प्लस, थ्री प्लस हो जाएगा फोर, फोर कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू ये आपका सिमिलर यही रहेगा थ्री कॉट स्क्वायर थीटा। और आपको भी पता है क्या कि फोर कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू थ्री कॉट कैसे लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ से देखिए आप इसको सॉल्व करिए क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर से कॉस स्क्वायर आपका कट जाएगा, इधर आ जाएगा आपका साइन स्क्वायर हो जाएगा, है ना, क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर, तो हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू थ्री, फोर आपका मल्टीप्लाई में इधर आ जाएगा तो डिवाइड में। अभी ये सॉल्व नहीं हुआ और इसको करना पड़ेगा सॉल्व, है ना। तो यहाँ से देखिए आगे जब इसको और आप सॉल्व करेंगे तो क्या बनेगा, इसी पार्ट को और सॉल्व करिए, स्क्वायर हटाना, स्क्वायर हटाने के लिए दोनों साइड बोथ ऑन साइड रूट करेंगे तो हो जाएगा आपका साइन थीटा इज इक्वल टू रूट थ्री और रूट फोर, और रूट फोर की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी टू रूट, साइन के किस थीटा के एंगल पे रूट थ्री बाई टू होता है, तो डायरेक्ट लिख दे रहे हैं यहाँ पे आपको, जो कि होता है थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री पे। तो यहाँ से थीटा की वैल्यू आगे आएगा कितनी भाई, बहुत ही प्यारे तरीके से 60। फाइंड क्या करना है आपको, फाइंड करना है टेन थीटा प्लस कॉसेक थीटा, नेक्स्ट स्लाइड पे करते हैं, जगह बची नहीं यहाँ पे, टेन थीटा कॉसेक थीटा फाइंड करना है आपको, टेन थीटा कॉसेक थीटा।
कॉसेक थीटा, ये करना है आपको फाइंड। माइनस ही तो है, नहीं भाई प्लस है, टेन थीटा प्लस कॉसेक थीटा। और थीटा की वैल्यू आपने कितनी फाइंड की, थीटा की वैल्यू भाई आप फाइंड की ना 60, थीटा की वैल्यू रखिए। आंसर बहुत ही प्यारे तरीके से आपका आने वाला है 10, 10, और थीटा की वैल्यू रखनी है आपको 60 प्लस कॉसेक, कॉसेक सी थीटा की जगह पर रखना है आपको 60। बस वैल्यू के एंगल की मान रख दूं, क्या हो जाएगा आपका यहाँ से देखिए, टेन सिक्सटी की वैल्यू क्या होती है, √3 एजेंटेड प्लस कॉसेक 60 की वैल्यू क्या होती है, कॉसेक 60 की वैल्यू होती है 2/√3, 2/√3, बात समझ पाए ना। सेक 30 की वैल्यू जो होती है उसको रिवर्स करेंगे तो कॉसेक 30 की वैल्यू क्या बन, कॉस सेक 30 की वैल्यू बन जाएगी कॉसेक 60 की वैल्यू, है ना, तो 2/√3। अब जब फाइनल आप यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे भाई तो क्या हो जाएगा, डिनोमिनेटर में आ जाएगा आपका √3/, ये हो जाएगा आपका √3, √3 बन जाएगा 3+2, यहाँ से आ जाएगा आपका 5√3, 5√3। देखिए ऑप्शन मैच करेगा क्या, 5√3, 5√3, 5/√3 आया ना, 5/√3। कुछ नहीं भाई, यहाँ पे भी किया गया क्या, रेशनलाइजेशन। हाँ यहाँ पे भी किया गया आपका रेशनलाइजेशन, क्योंकि डिनोमिनेटर में आपकी रूट रूट में कोई भी वैल्यू नहीं है, डिनोमेटर में देखो ये भी नहीं है ये भी नहीं है, तो डिनोमेटर में कुछ वैल्यू होनी चाहिए, इस वजह से ये दोनों कट गए, क्योंकि डिनोमेटर में इसके कुछ है नहीं, वन है। हाँ कुछ नहीं मतलब क्या, वन है, पर वहां पे वन तो दिख नहीं रहा, तो आप इन दोनों में से कोई अच्छा होगा ये मत सोच रहे कि रॉन्ग करें, नहीं आप बिल्कुल सही लाइन पे जा रहे हैं, पर आप देखिए यहाँ पे डिनोमेटर में आपके रूट की वैल्यू नहीं है, तो रेशनलाइजेशन किया गया भाई वहां पे, ठीक है, तो इसका किया गया क्या, रेशनलाइजेशन। तो जब इसका रेशनलाइजेशन करेंगे 5/√3, इसका रेशनलाइजेशन करिए कैसे हो जाएगा, तो √3 से ऊपर नीचे बस कुछ नहीं भाई, मल्टीप्लाई करा दिया गया है, तो यहाँ से सॉल्व करिए क्या हो जाएगा आपका, √3, √3 क्या हो जाएगा आपका 3, ऊपर हो जाएगा 5√3, ये आपका हो जाएगा 100% करेक्ट आंसर, 5√3/3, 5√3/3 ऑप्शन नंबर बी, जो कि आपका 100% करेक्ट है। चलिए 13 नंबर तक क्वेश्चन कर लिए, इसको यहीं पे करते हैं स्टॉप, आगे करेंगे नेक्स्ट क्लास पे, और वीडियो को बैकअप प्रैक्टिस रिवीजन करना आपके लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि इतना सारा पढ़ने को हो जाता है आपका कम्पिटिटिव लेवल पे, कि GS रीजनिंग, हाँ मैथ, अर्थमेटिक एडवांस और करंट अफेयर्स, कई सारी चीज़ें हो जाती हैं, और छोटा सा आपका माइंड, हाँ हम सबका छोटा सा माइंड, कितना सारा भंडार है, तो एकत्रित करने में, हाँ सिनेरियो को पूरा कैप्चर करने में टाइम लगता है भाई, जो कि आपका हार्ड वर्क एंड स्मार्ट ट्रिक के साथ ही आपका मैनेज होगा, और उसके बाद ऐसे ही आपकी जर्नी चलती रहेगी, और आप देख रहे होंगे कितने अच्छे अच्छे आपको क्वेश्चन कराए जा रहे हैं, तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को शेयर लिस्ट में जरूर ऐड कीजिएगा, आप जहाँ तक आपकी पहुँच है ना वहाँ तक वीडियो को जरूर आप भाई शेयर करिएगा, और प्रीवियस ईयर क्लासेस आपको सारी रिकॉर्डेड फॉर्म में मिल जाएंगी, किसी भी विद्यार्थी को ऐसा नहीं करना है कि वीडियो किसी भी बीच में घुस जाइए, ऐसा नहीं, सीक्वेंस से आपको देखना है तभी चीज़ें आपको समझ में आएंगी, वरना आप किसी भी टीचर की क्लासेस देख लो, ठीक है, अगर आप बीच में घुस गए तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, एक आध क्वेश्चन समझ में आएगा, उसके बाद जब अपने अकॉर्डिंग आपके लेवल पर जब क्वेश्चन आपके कराए जाते हैं ना, तब वहाँ पे आपको लगेगा कि नहीं ये क्या पढ़ा रहे हैं, इतने टफ नहीं आते हैं ना, तो वहाँ पे आपका माइंड सोचना ही काम नहीं करेगा, तो क्वेश्चन तो बोरिंग लगेगा ही लगेगा, ठीक है, तो ऐसा नहीं, ऐसा करोगे तो आपके पूरे, हम क्या कह रहे हैं, ट्रिग्नोमेट्री नहीं, पूरे पूरी ज्योमेट्री से आपको नफरत हो जाएगी, हाँ पूरे पूरी ज्योमेट्री से नफरत हो जाएगी, पूरी एडवांस नाम से नफरत हो जाएगी, तो आपको एडवांस बनना है तो ऐसा नहीं, आपको ट्रिग्नोमेट्री हो, ज्योमेट्री हो, मेंसुरेशन हो, अल्जेब्रा हो, या अर्थमेटिक का कोई भी पार्ट हो, या एडवांस कोई भी, सबको आपको शिद्दत से और टाइम देके एक्यूरेसी के साथ आपको, हाँ डिसिप्लिन में रह के पढ़ना है, चीज़ों को रिवाइज जरूर करना है। चलिए बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बैकअप प्रैक्टिस रिविजन करते रहिएगा, और फिर से वो जो आपको वैल्यू दिखाई गई एंगल की वैल्यू, वो आपको लर्न करके आनी ही आनी है, शेयरिंग की स्कोरिंग आप से ही बढ़ेगी, तो ऐड जरूर करिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और ही बेहतरीन क्वेश्चन है आपके इसमें, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।